में बहुत वर्षों में कोई एक राजनीति क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति पैदा होता है। मेरा ऐसा मानना है कि 40 से 45 वर्षों तक राजनीति क्षेत्र में काम करने के बाद जिसके जीवन में कोई भी दाग नहीं लगे, आज हमारा सौभाग्य है उदयपुर का कि वर्षों से हमारे मार्गदर्शन करने वाले और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के गृह मंत्री, हमारे मार्गदर्शक, उदयपुर के सभी के जनजन प्रिय आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया का चमोतर बसंत पूरे होने के पश्चात 75वें वर्ष में आज प्रवास कर रहे हैं। सगाजी बाबूजी के चरणों में निवेदन करता हुआ, हमारा ये सौभाग्य है कि हम उदयपुर वालों को राजनीति क्षेत्र में ऐसी महान विभूति मिली। मैं महान शब्द इसलिए उपयोग में कर रहा हूं कि जो राजनीति में आता है उसके लिए आपको पता है कि क्या लोगों की धारणाएं बन जाती है, लेकिन 45 बसंत राजनीति क्षेत्र में काम करने के पश्चात जिसके जीवन में एक भी दाग नहीं लगे, वो व्यक्ति अगर कोई है तो वो आज हमारे सामने विराजमान है और उनका आज जन्मोत्सव सगाजी बाबूजी के चरणों में हम बहुत धूमधाम के साथ मना रहे हैं। पूरे दिन का कार्यक्रम है, हम सबकी दुआएं आपके साथ में है और मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस वर्ष तो चुनावी वर्ष है और हम पूरी आशा और उम्मीद करते हैं कि आप पुनः इस उदयपुर से भारी मतों से निर्वाचित होकर राजस्थान का नेतृत्व करें। मैं यही कामना सगाजी बाबूजी के चरणों में निवेदन करता हुआ अपनी बात को रखता हूं। मैं मंच पर विराजमान, पदम जी वैसा पधारो, मैं अपनी बात को निवेदन करता हुआ यही बात कहता हूं, मंच पर विराजमान हमारे नगर विकास न्यास के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी, नगर निगम के महापौर उदयपुर के प्रथम नागरिक आदरणीय चंद्र सिंह जी साहब कोठारी, भाभी जी अनिता भाभी हमारे बीच विराजमान है, भाई साहब के साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, आदरणीय भाभी जी का भी स्वागत अभिनंदन। हमारे ग्रामीण के विधायक, हाँ मैं बोल दूंगी,
आज पता रहे उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन, प्रकाश जी अग्रवाल साहब, तुलसीराम जी साहब, विमल जी भाई साहब, आर्य नरेंद्र जी, महेश जी और हरी जी भाई साहब, राजू जी, सभी मेरे पार्षद बंधु साथियों और दीपक जी मंडल के अध्यक्ष जी, कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी गई, मेरा छोटा भाई वैभव और संजय जी भंडारी साहब, सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज उदयपुर उदयपुर है और आज लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। एक बार फिर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। महापौर जी के बाद रवि जी भाई साहब दो शब्द। परम सब जो आपने सेवा के कार्य किए हैं अविस्मरणीय है और उदयपुर के विकास के सदस्यता के रूप में जो सौगातें शहर को दी है, ईश्वर से यही कामना करता हूँ ऐसे निष्काम ईमानदार कर्मठ जुजारू और संकल्प शक्ति के धनी आदि कटारा साहब को ईश्वर और प्रेरणा दे और ताकत दे ताकि शहर के राजस्थान के विकास में निरंतर अपना मार्गदर्शन दे, सहयोग करें, राजस्थान के गौरव को बढ़ाए। भारी मतों से जिताकर हमारा राजस्थान का जो ऐसा नेतृत्व हमारे को मिल रहा है वैसा आगे भी मिले, बहुत बहुत बधाई देते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। सभी यहाँ की कोला निवासी हमेशा की तरह यह अच्छा जन्मदिन का लड्डू से तोल कर ऐसा एक बढ़िया जन्मदिन का हमेशा की तरह मनाया, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी विधानसभा ग्रामीण होने के नाते मैं भी आपकी तरफ से भाई साहब को बधाई देता हूँ। धन्यवाद, जय भारत, जय। आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूँ हमारा मार्गदर्शन। और मैं हमेशा जब कभी भी कोई काम शुरू करता हूँ तो सगत जी के चरणों में आकर के आशीर्वाद लेता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ, ईमानदारी से काम करूँ, एक अच्छे जनसेवक के रूप में काम करूँ, किसी भी प्रकार का जीवन में कोई गिरावट ना आए और कहीं भी काम करने में कोई पक्षपात ना कर जाऊँ, चाहे वो मेरा विरोधी हो चाहे मेरा पक्ष का हो, हर सही काम के लिए मैं हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहूं। और ईश्वर की ही कृपा है कि इतनी लंबी यात्रा के बाद भी किसी प्रकार का जीवन में कोई गिरावट नहीं है। जिस देश में रहते हैं मैं सोचता हूं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, भारत जी उनकी टीम का, राइट टाइम पर आने का थोड़ा सा स्वभाव है, आदत रहे भगवान करे। और खैर मैं तो कोई चीज नहीं हूँ, पर आप ये देखेंगे कि देश का प्रधानमंत्री का अगर हेलीकॉप्टर एक में पांच कम उतरना है तो एक से पांच कम ही धरती को छूता है, ऐसा कमाल तो मैंने आज दिन तक कभी किसी का नहीं देखा कि जिसका हेलीकॉप्टर जमीन पर आने का समय अगर तय है कि एक में पांच कम तो एक में पांच कम धरती को छू जाता है, इतना टाइम का मेंटेन करना और समय की उपयोगिता अगर किसी ने सिखाई राजनेता ने, बाकी राजनेता कभी टाइम पे आते हैं, राजनेता कहते ही उसको जो समय पे नहीं आते ताकि लोग इंतजार करें, लेकिन वो आदमी सोचता है कि मेरे कारण से हजारों लोगों का अगर आधा घंटा भी खराब होता तो देश की कितना समय व्यस्त हो जाता है, मैं उस पाप का भागी नहीं बनूं, इस कारण से वो आदमी मिनट टू मिनट कार्यक्रम बनाकर भेजता है। और आपने देखा होगा कि अपने यहाँ 29 अगस्त का जिस दिन कार्यक्रम था उनकी घड़ी पर ऐसी निगाह पड़ी और जैसे ही घड़ी का टाइम हो गया बाकी लोगों ने बोलने में ज्यादा समय ले लिया, उसने खट से बिजली की करंट की तरह से भाषण को काट करके आगे के कार्यक्रम में प्रस्थान कर गया। तो सच में देश को अगर ये टाइम की पंचुअलिटी समझा दें, हम सब लोग भी सवेरे से लेकर रात तक एक एक मिनट का सही सदुपयोग करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो देश के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोले सगसी बाबू जी, हमारे बीच उपमहापौर जी आए स्वागत के लिए। मैं एक मिनट अंत में मैं आभार के लिए हमारे विकास समिति के अध्यक्ष आदरणीय फतेलाल जी साहब जैन से निवेदन करता हूँ, वो सबका आभार व्यक्त करें, धन्यवाद। बोले सगसी बाबू जी की जय, बोले आज के आनंद की जय। सगसी बाबू जी के चरणों में आज गुलाब जी भाई साहब का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनमें मैं पूरे मंच का हार्दिक से आभार व्यक्त करता हूँ। कि मैं
है रास्ते में, चाहे पहुंच भी गए हों इच्छा होंगे जल्दी जल्दी वहां पे। और इस वक्त जहन्नुम के रास्ते में है, चाहे पहुंच भी गए हों इच्छा होंगे जल्दी जल्दी वहां पे। और इस वक्त जहन्नुम के रास्ते में है, चाहे पहुंच भी गए हों इच्छा होंगे जल्दी जल्दी वहां पे। और आप आशीर्वाद दीजिए अमेरिका में, झारखंड बहुत बड़े इंजीनियर हैं, झारखंड सरकार से बोल रहे हैं, मैं कैलिफोर्निया देख जाना उदयपुर को, आपकी मीटिंग में सुना है अच्छा प्रोग्रेस है आपके यहाँ से। दोस्तों नमस्कार, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान के गृह मंत्री श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया का 75वां वर्षगांठ है। खुशी की बात है, इतने सारे लोग खुशी से खड़े हुए हैं, माँ कालेश्वर जी के दर्शन किए, आरती की है और इतने सब लोग जानते हैं। सबसे पहले तो मंजी भाई साहब आपसे चाहूँगा कि हम लोगों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए, 75 वर्ष के हो चुके हैं इसलिए। भाई साहब ने अपना संपूर्ण राजनीतिक जीवन एक सच्चे राजनेता के रूप में बिताया है। क्या एक राजनेता का दायित्व होना चाहिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों की जो व्यवस्था है कि जनता द्वारा जनता के लिए, तो जनता के लिए जो इन्होंने अपना जीवन किया है, नित्य प्रातः काल 8:30 बजे इनके मस्तिष्क में भाजपा की फ्लॉपी फिट हो जाती है, फिर जब तक ये सोते नहीं हैं तब तक भाजपा कार्यक्रम बैठक और सब देखना करना, तो सतत लोगों के कल्याण की भावना को लेकर के अपने सारे जीवन को इन्होंने इस काम में आहूत किया है। हम सब लोगों की प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस राजनीतिक पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, हमारा भी दायित्व तो बने, जितनी हमारी सामर्थ्य और क्षमता है उससे हम जनार्दन की सेवा के लिए संकल्प रहें। नित्य हमारा नियम रहना चाहिए कि हम रोज़ सेवा करें जनता की। ये बहुत खुशी की बात है कि मैं तो स्वयं आपके लिए गया था, रविंद्र जी श्रीमाली आप यहाँ खड़े हुए, क्योंकि वहाँ तो वो चेहरा ठीक नहीं आएगा। हम सब लोग तो क्योंकि गुलाब जी भाई साहब को कई सालों से जान रहे हैं, 40 साल से 45 साल से, आप 50 साल से जान रहे होंगे। हम लोग, मैंने भी शिक्षा ली है कि ईमानदारी से ज़िंदगी में रहो, चोटा वाड़ा मत करो। ये भाई साहब मैंने आपसे ही शिक्षा ली है कि रविंद्र जी भाई साहब आप भी हमें बताइए कि क्योंकि हमने शिक्षा ली उसी पथ पर चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और भी कुछ कहें कि आपने क्या विशेष सीखा इनसे। हम सबका सौभाग्य है राजनीति के ऐसे पुरोधा जिन्होंने राजनीति के अंदर संत रहकर भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों को समझकर राजनीति को केवल और केवल सेवा का माध्यम चुना, और सेवा के माध्यम से आज देखिए उदयपुर के इतिहास में जो कुछ सौगातें शहर को मिली है वह आदरणीय कटियार साहब के प्रयासों से। पांचों बोर्ड बने वह भी इस बात का संकेत है कि किस प्रकार की दूरगामी सोच उदयपुर के विकास के स्वप्नदृष्टा के रूप में जो जो कार्य हाथ में लिए हैं, ईश्वर ने उन सब कामों को पूरा किया है। आज भाई साहब की 74वीं वर्षगांठ है, और जिस प्रकार से निरंतर इस राजनीति के जीवन में जिसने काजल की कोठरी से व्यक्ति बिल्कुल बेदाग निकलता है, इस प्रकार का राजनीतिक जीवन एक संत के जीवन के माफिक आपने जिस प्रकार से राजनीति के संत के रूप में जो सेवा कर रहे हैं, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, लेकिन जिस कठिन सेवा धर्म को भी आपने अपने कार्यों के द्वारा आपके कर्मयोगी की तरह आपने जिस प्रकार जीवन बिताकर आपने राजनीति की श्रेष्ठता को आपने साबित किया है, और जिस प्रकार से कठिन जो सेवा का मार्ग जिसको हम कठिन मानते हैं उस कठिन कार्य को भी आपने बहुत सरल बना दिया है, यह है सेवा की भावना। निष्कर्म कर्मयोगी के रूप में कार्य करते हुए आपने जिस प्रकार से
एक चरित्रवान कार्यक्रम निर्माण भी किया है, और आपके मन में केवल यह नहीं कि मेरे को धन चाहिए, मेरा मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए, मन के अंदर एक ही कामना कि जो ईश्वर ने मुझे देह प्रदान की है, मैं निरंतर किस प्रकार मानव सेवा के लिए अपना जीवन देकर जो ईश्वर ने मुझे ये शरीर दिया है मैं उसकी सार्थकता सिद्ध करूं, और यही इनके मन के अंदर बात है। मैं भगवान शिव शंकर आज आशुतोष महादेव के चरणों में बैठकर यही निवेदन करना चाहता हूं उनसे, हम सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं हमारे आदरणीय कटर साहब को और ऊर्जा प्रदान करें और शक्ति प्रदान करें ताकि हमारे राजस्थान की सेवा कर सके। बहुत बहुत आभार एक बार पुनः आदरणीय। बिल्कुल धन्यवाद। ये थे रविंद्र जी श्रीमाली हमारे यूएटी के चेयरमैन। जैसा कि आप बता रहे हैं हमारे मेवाड़ में तो राजनीतिक क्षेत्र में एक ज़माने में कभी मोहनलाल जी सुखाड़िया का नाम हुआ करता था, लेकिन मेवाड़ में और राजस्थान में आज गुलाब चंद जी कटारिया का नाम है, जैसे फिल्मी दुनिया में भी नाम है अमिताभ बच्चन का। तो अमिताभ बच्चन भी भाई साहब की उम्र के बराबर ही है, ये तो ये बताएंगे। मैडम मुझे आपसे परिचय तो नहीं है, बट नहीं नहीं मैं इनसे पूछूंगा अभी तो, ये कहाँ से आए हैं आप, कितना जानते हैं हमारे, ये तो राजस्थान सरकार के गृह मंत्री, आप कहाँ से आए और क्यों आए उदयपुर में? मैं यहाँ पे तो सिर्फ घूमने आई हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में अर्बन प्लानर के जैसे काम कर रही हूँ। कुछ रिव्यू मीटिंग्स में देखा है कि आपके यहाँ का जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान का प्रोग्रेस अच्छा है, पिकअप हो रहा है, और ये मेरा लक गुड लक है जो आज मैं मिली हूँ सर से। दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल यू नो टू गॉड एंड सर सैंग वेरी नाइस शिव तांडव स्तोत्रम विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव एंड लॉर्ड शिवाज प्रेयर इज इनकम्प्लीट फॉर मी विदाउट दिस स्तोत्रम विच ही डिड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप अभी अपना परिचय देंगे, कुछ बोलना चाहते? सर आई एम जस्ट अ टूरिस्ट, मैं कैलिफोर्निया से हूँ एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाई दिस सिटी, इट्स ऑसमली क्लीन एंड वेरी ब्यूटिफुल, सो ग्रेट जॉब टू एवरी वन। थैंक यू। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि आज कैलिफोर्निया से भी बात हो रही है, वहाँ से भी बात हो रही है, इसका मतलब गुलाब जी का भविष्य राजनीतिक में ज़्यादा उजला ज़्यादा तेज दिख रहा है मुझे अब, क्योंकि भाभी जी है अनीता जी कटारिया। भाभी जी आप कुछ बताएं, क्योंकि भाई साहब तो भाषण देते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, मतलब आपने कितने कष्ट झेले हैं भाई साहब के चक्कर में? मैंने तो बहुत कष्ट झेले थे इनके चक्कर में, बस हो गया। ये मतलब प्रश्न ये है कि राजनीतिक में तो समय आपको नहीं दे पाते होंगे, दे तो रहे हैं साथ के साथ, फिर भी परेशानी तो आई होगी। वैसे राजनीतिक में समय नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हमारे साथ बच्चों के साथ रहने का, बस इतना ही। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं आदरणीय भाई साहब चाहूँगा कि हम बच्चों पर आप आशीर्वाद स्वरूप कहें, और राजस्थान का भविष्य राजनीतिक में क्या होगा, हिंदुस्तान का भविष्य क्या होगा, उस संबंध में भी कुछ कहें सर। मैं जिस स्थान पे महाकाल के इस पवित्र मंदिर पे जो खड़ा हूँ, मेरे जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इसी महाकाल की धरती पर, जब मैं पढ़ने के लिए पीछे बोरियों के रूखड़े के नीचे आके बैठता था और यहाँ एकांत में आकर के थोड़ी सी पढ़ाई की तैयारी करता था और परीक्षा देकर के मैं उत्तीर्ण हुआ, उसके बाद मेरी जीवन की सारी दिशा नई हो गई। तो ये जो पवित्र स्थान है, हमने कोशिश की इसको अच्छा से अच्छा, पर यहाँ के जो समाज के और सब बंधु हैं, ये पूरे स्थान का डेवलपमेंट जो है ना जन सहयोग से उन्होंने किया, और जिस तरीके से किया, मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान में पहला उदाहरण होगा कि किसी मंदिर का छोटे छोटे कलेक्शन से इतना भव्य रूप ले सकता है, वो इन लोगों ने किया। राजनीति में काम करते हुए मैं सोचता हूँ कई वर्ष गुजरे हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने एक संत की तरह से जी करके इस देश की राजनीति को अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयास किया, और इसलिए सुंदर सिंह जी भंडारी को उसमें से मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, वो यहीं के रहने वाले थे। देखा होगा भैरव सिंह जी को मैंने देखा, अटल जी को मैंने देखा है, वास्तव में इन लोगों ने कोई पद प्राप्ति के लिए नहीं लेकर, लेकिन देश की राजनीति सही रास्ते पर आए इसके लिए प्रयत्न किया, और तब से लेकर के हम लोगों ने कि उनके कदम के पीछे कदम चलाने का प्रयास किया, और आज की तारीख में कह सकता हूँ जो देश का प्रधानमंत्री है ये भी कोई ईश्वर योग से आया है। मतलब जब घोर निराशा का समय था देश में, तब इसका एक तरह से प्रधानमंत्री के रूप में आना, और जिस ढंग से ये चल रहा है
है ना, हिंदुस्तान को इस ऊंचाई पर ले गया कि आज दुनिया में कोई भी देश बिना उनसे पूछे कोई निर्णय नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में आज आ गया और अगले दो चार साल में तो मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण दुनिया इसके कहे हुए वाक्यों के आधार पर देश की राजनीति को आगे बढ़ाकर मानव सेवा कर पाएगा। ये व्यक्ति से भी ऊपर उठ कर के जो प्राणी मात्र के बारे में जिस प्रकार का विचार करता है, है ना, पर्यावरण का जिस प्रकार से अभी सर्वोच्च पुरस्कार पर्यावरण का वो देश के प्रधानमंत्री को मिला है, तो हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा विश्वास है, महाकाल की धरती पर खड़ा हूँ, आने वाले दो तीन सालों के बाद ही हम भारत को नंबर एक का देश के रूप में देखेंगे, अपनी आंखों से ही देखेंगे, अपन स्वयं जिंदे रहते हुए देखेंगे और उसका करिश्मा निश्चित रूप से कोई ईश्वरीय शक्ति कर रही है। मैं सोचता हूँ ये जो महाकाल का जो मंदिर है यही उदयपुर का शायद वही ऐसा एक ईश्वरीय शक्ति का एक स्तंभ है जहाँ से इस सारे जीवन को एक दिशा मिलती है और विकास भी मैं सोचता हूँ वो ईश्वर की इच्छा से शुरू हुआ और इच्छा से पूर्ण होगा। आज जैसा कि आपने सुना भाई साहब के जीवन के बारे में, ये यात्रा इनकी अनवरत चलती रहे, ये शतायु हो और हम सब कार्यकर्ताओं के विकास में अपना पूरा जीवन जिस तरह से लगा रखा है लगाते रहें और उदयपुर राजनीतिक दृष्टि से बहुत आगे जाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शतायु जीवन की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जब सृष्टि रचाई गौ माता जग तारन आई, गौ शरीर मानो देवालय, ब्रह्मा विष्णु शिव का शिवालय। शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शंकराय च नमः, ओम शाम सदा शिवाय नमो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमाला बस अब जरा कार्यक्रम करने दीजिए, आशीर्वाद देना।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जिंदाबाद 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 भाजपा। अरे आइए आइए, चलिए चलिए चलो अंदर मंदिर के अंदर जाने दो भैया, मंदिर के अंदर मंदिर के अंदर। विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नावा। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधुच सखा तुमेव, तुमेव विद्या करुणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। आयन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावा प्रकृति स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हेमलता जी, हेमा जी, भाव सर, एक बार मैं सबको बुला रहा हूँ। खानचंद जी मंगवानी साहब, परवीन जी मारवाड़ी, रामेश्वर जी भाव, अरे मंडल की प्रभारी रजनी जी डांगी भी साहब का स्वागत करेगी।
अरे पहली पार्सल ले लो। पार्सल ये बात ही आ जाओ। हाँ दूसरी बात। हमारे जिला के मंत्री अरविंद जी जारोली से निवेदन करूंगा, मैं सबका नाम लूंगा, वो जल्दी नहीं करे। महेश जी बहुत साथ सबसे निवेदन है पधारे और भाई साहब का स्वागत करें। संगीता जी जैन आ जाओ, फटाफट आ जाओ। आए थे पीछे बैठे थे। आप लोगों का टाइम लगेगा, सब वार्ड अध्यक्ष आ जाए। आ जाओ अभी जल्दी। अरे इधर से आओ, उधर से निकलो। ये नरेश जी, ये ओम प्रकाश भाग अध्यक्ष हाउसिंग बोर्ड में, ये नरेश जी को हमारा राम सिंह जी प्रताप नगर में भाग मंडल के एस सी मोर्चे के अध्यक्ष हैं छापरवाल। गणेश जी टेकरी के अध्यक्ष हैं। ये हमारे भाग अध्यक्ष हैं अपने मदन जी गुंडा वाले, राम सिंह जी की शुक्रिया नगर अध्यक्ष हैं। चलो चलो जो आगे बढ़ते ओ भाई एक मंजू जी जैन हमारे सुशील जी की धर्मपत्नी से निवेदन है। बता रहे मंजू जी जैन मैं अब अरे बड़े से नहीं चक्को लाओ एक दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि आप बोहरा गणेश जी के मंदिर के दर्शन किए, हमारे राजस्थान सरकार के गृह मंत्री श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया का 74वां जन्मदिन है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लगभग 1,100 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा 1,000 से भी ज़्यादा नवयुवकों ने रक्तदान किया। रक्तदान महादान, बहुत बड़ी बात है। आप सामने जो देख रहे हैं भीड़, ये सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीमें हैं। सैकड़ों क्या हजार लोग जब रक्तदान करते हैं एक ही दिन में गुलाब चंद जी कटारिया के जन्मदिवस ऊपर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप देखें ये सारे लोग बोहरा समाज के लोग हैं, बोहरा समाज के हीरो होंडा के मालिक श्रीमान सब्बीर जी मुस्तफा उदयपुर शहर के अच्छे बिजनेसमैन हैं, हम सभी लोग जानते हैं। सब्बीर मुस्तफा सभी धर्मों के लोगों से मिलते हैं। गुलाब चंद जी कटारिया के जन्मदिन के अवसर पर
बोहरा समाज के कई लोगों ने गुलाबचंद जी कटारे को शुभकामनाएं दी, बहुत प्रसन्न मुद्रा में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और रही बात की युवा मोर्चा के प्रोग्राम की, तो युवा मोर्चा को बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार कार्यक्रम युवा मोर्चा ने अशोका ग्रीन पैलेस में किया, बहुत बड़ा पंडाल था। एक बार फिर पूरे उदयपुर वासियों की ओर से राजस्थान सरकार के गृह मंत्री श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 74 वर्ष के पूर्ण हो चुके हैं, हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे कि भगवान एकलिंगनाथ उनको शतायु करे। थैंक यू वेरी मच। रक्तदान कर ले रे, रक्तदान कर ले। मुश्किल की राहों में चलता ही जावे तू, चाहे आंधी हो तूफान हो। मुश्किल की राहों में चलता ही जावे तू, चाहे आंधी हो तूफान हो। कहीं रुक ना जावे तू, कहीं थक ना जावे तू, नेकी दा जग भी कोई काम हो। खुद पे तू थोड़ा अभिमान कर ले। जीवन को जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।